नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इसमें दरार नजर आ रही है, पर अब लग रहा है इसकी दरार गहरी होती जा रही है। अखिलेश यादव ने अब लगता है मन बना लिया है गठबंधन से बाहर होने का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके बयान से झलक रहा है। देखिए, कई बार मुख्यमंत्री रहे वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ कहाँ जीते हैं, कभी एक जीते, कभी दो जीते, कभी पांच जीते, और किस जगह हम नंबर दो पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।